मैं तुम्हारे बिना अकेली नहीं रहना चाहती पुत्र। नहीं माँ, आप कदापि अकेले नहीं पड़ेंगी, क्योंकि शीघ्र मेरा भ्राता जो आने वाला है। वैष्णव यौ भ्राता। माँ, आपने मुझे बताया था ना, जब पिताश्री को मैं मिला था, उसके पहले प्रभु की प्रतिमा ने आज के समान अपने हाथों से पुष्प गिराकर उसका संकेत दिया था, अर्थात नियति को जो स्वीकार है वो तो होकर ही रहेगा। मेरा भ्राता अवश्य आएगा माँ, अवश्य। क्या हुआ माँ, आपको मुझ पर विश्वास नहीं? मुझे तुम पर और तुम्हें होने वाले प्रत्येक आभास पर विश्वास है पुत्र। तब मुझे जाने दीजिए ना माँ, क्योंकि मैं गुरुवर से प्रभु हरिहरा की महिमा की संपूर्ण शिक्षा प्राप्त कर प्रत्येक दृष्टि से सुयोग्य बनना चाहता हूँ। माँ, आपका आदेश मेरे लिए वेद मंत्र के समान है। जिस प्रकार वेद मंत्रों के बिना कोई भी यज्ञ पूरा नहीं होता, उसी प्रकार माँ की आज्ञा के बिना कोई कार्य कदापि सफल नहीं होता। मंत्री जी। जी राजकुमार। जब तक मैं गुरुकुल से लौट कर ना आऊं, आपको मेरे माता पिता का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं वचन देता हूं आपको। अवश्य राजकुमार, अवश्य। अब जो करूंगा इतने ध्यान से करूंगा कि जब आप लौटे तो यहाँ की काया पलट देखकर अचंभित रह जाए। हरिहरा, मेरा वंदन स्वीकार कीजिए प्रभु। मुझे आशीष दीजिए कि मैं उचित शिक्षा प्राप्त कर पूर्ण रूप से योग्य होकर लौट आऊं। मेरे शिष्य की चिंता अब मुझ पे छोड़ दीजिए महारानी जी। प्रिय, जीवन के पड़ाव के इस यात्रा के आरंभ में उसे आपके स्नेह के साथ साथ आपके आशीर्वाद की भी आवश्यकता है। चलो मणिकंठा। मेरा पुत्र मणिकंठा। महारानी। मणिकंठा। महारानी। महारानी रुकिए। माँ, रानी माँ कुशल तो थी ना? हाँ पुत्री, वो मूर्छित तो इसीलिए हुई थी क्योंकि जो प्रभु मणिकंठा ने कहा था वो सत्य प्रमाणित होने जा रहा था। और उनके प्रस्थान करने के कुछ ही अवधि के बाद
राजा राजशेखर और उनकी पत्नी को एक और पुत्र का सुख प्राप्त हुआ, जिसका नाम राजराजन रखा गया। इस अवधि में प्रभु मणिकंठा की शिक्षा आरंभ हो चुकी थी। प्रणाम गुरुजी। यशस्वी भवा। शिक्षा की जड़ कड़वी अवश्य होती है, किंतु उसके फल बहुत ही मीठे होते हैं। शिक्षा में इतनी शक्ति है कि संपूर्ण संसार को बदल सकती है, और यहाँ तुम सभी की शिक्षा तब संपन्न होगी जब 5 सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुणों में महारत प्राप्त कर सकोगे। अनुशासन, एकाग्रता, ज्ञान, साहस और बल। स्मरण रहे, इन 5 को पाने के बाद निष्ठा से उचित दिशा में इनका प्रयोग करने की इच्छा शक्ति भी होगी, तो जो चाहोगे वो संभव कर सकोगे। तो सर्वप्रथम हमें क्या सीखने की आवश्यकता है? अनुशासन। अनुशासन एक ऐसी कला है जो स्वयं पर और समय के ऊपर राज करना सिखाती है, इसलिए इनका कठोरता पूर्वक पालन करना चाहिए। रात्रि के आरंभ से पूर्व निद्रा में लीन होना और सूर्योदय के पूर्व जागृत होना। सूर्य के किरणों से पृथ्वी नहाए, उससे पहले स्नानादि करके अपने तन मन को पावन बना लेना विद्यार्थी जीवन का अभिन्न अंग है। सब में सबसे छोटा होने के बाद भी राजकुमार मणिकंठा सभी के लिए उत्तम उदाहरण है। अनुशासन सीख चुके हो तो दूसरा गुण एकाग्रता सीखने का समय है, किंतु कैसे ये कौन बताएगा? क्यों गुरुवर, मार पिताश्री ने मुझे बताया था कि ओम में ही त्रिदेवों की शक्तियाँ निहित है। इस सृष्टि की सृजन का स्वर है। सभी ऊर्जाओं को, हमारे सभी चक्रों को एकत्र कर एक साथ लाने का स्वर है, जो हमें एकाग्र कर हमारी दिव्यता से जोड़ता है। सत्य कहा मणिकंठा, ओम इतना शक्तिशाली स्वर है जिसका सकारात्मक प्रभाव वहाँ भी है जहाँ कुछ भी नहीं है। ओम के उच्चारण से ही एकाग्रता सीखो। राजकुमार मणिकंठा की योग्यता अद्भुत है। अनुशासन और एकाग्रता के बाद अब ज्ञान का समय है, तो उसका क्या उपाय है? समस्त वेद ग्रंथों का अध्ययन गुरुदेव। तो आज से हम वेद अध्ययन आरंभ करेंगे, जो सभी वेदों और उपनिषदों के पठन के बाद संपन्न होगा। समझा माँ कि इस व्रत में इतना अनुशासन क्यों चाहिए, क्योंकि प्रभु अयप्पा स्वयं अनुशासन और कठिन परिश्रम के सर्वोच्च उदाहरण है। हाँ पुत्र, अनुशासन और एकाग्रता से ज्ञान प्राप्ति सहज हो जाती है। इसीलिए एक ओर तो प्रभु मणिकंठा वेद पाठ के बीच बड़े हो रहे थे,
वहीं दूसरी ओर उनका अनुज भी आयु में बढ़ रहा था। प्रभु मणिकंठा समस्त ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, एक रूप और बुद्धि संपन्न नव युवक बन चुके थे और उनकी शिक्षा के दूसरे चरण का समय आ गया था। ज्ञान से साहस प्राप्त होता है, उसी साहस का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा तुम्हें। शिक्षा के अगले चरण को आरंभ करने के पूर्व यह तुम्हारी परीक्षा है। दुग्ध की एक भी बूंद गिराए बिना इस दूरी को पार करो और दुग्ध से इस शिवलिंग का अभिषेक करो। तुम्हारा संकोच यह दिखा रहा है कि अभी तुम में इतना ज्ञान नहीं जो तुम्हारे भीतर के साहस को जागृत कर सके। कंठा ये क्या कर रहे हो तुम? हम सब में से श्रेष्ठतम होकर पीछे क्यों हट रहे हो? गुरुजी ने कहा था ज्ञान का प्रयोग साहस जागृत करने के लिए करना होता है और जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है उसके अनुसार लंबी छलांग लगाने के पूर्व कुछ पग पीछे जाना अनिवार्य है। भवपुत्राय धीमहि तन्नो शास्ता प्रचोदयात्। गुरुदेव सफल भव, यशस्वी भव। गुरुदेव के पुत्र की दृष्टि सदा मुझ पर क्यों टिकी रहती है? मैं दीर्घ समय से शिक्षण का कार्य कर रहा हूँ किंतु इस कार्य के लिए कोई साहस नहीं जुटा सका। मुझे विश्वास है तुम्हारे इस सफलता से दूसरे शिष्यों को भी साहस मिलेगा। गुरुदेव मेरी योग्यता तो आप ही की शिक्षा का परिणाम है। अब जब साहस भी जागृत कर चुके हो और पांचवें और अंतिम चरण में पहुंच चुके हो तो साहस का प्रयोग कर अथाह बल पाना है। Yeah.
शास्त्र शिक्षा के अंत में अब इसका परिचय देने का समय है, तो तुम सभी अपने बल को युद्ध कौशल कैसे बनाते हो? क्षमा कीजिए गुरुवर, ये जो बालक आपके साथ सदा रहता है, ना कभी कुछ कहता है और ना ही सामान्य रूप से कोई प्रतिक्रिया देता है, फिर ये सदा बालक मुझे ही क्यों देखता रहता है? ये मेरा पुत्र सर्वोत्तम है, ये तुम्हें नहीं देखता मणिकंठा, ये तो देख अथवा बोल नहीं सकता। किंतु जब से मैं यहाँ आया हूँ, मुझे यही लगता रहा है कि उसकी दृष्टि एक तक मुझ पर ही टिकी रहती है, जैसे वो मुझसे कुछ करवाना चाहता हो। अब तुम सभी का अस्त्र पाठ संपन्न हुआ, कल परीक्षा होगी जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए वो स्मरण रखना होगा जो तुमने आश्रम के प्रथम दिन सीखा था, अर्थात अनुशासन। प्रभु मणिकंठा की भी परीक्षा थी? हाँ, किंतु ये परीक्षा सरल नहीं होने वाली थी, क्योंकि उन्हें ना केवल गुरुदेव का दिया गया कार्य संपन्न करना था, अपितु महिषी की चुनौती से पार भी पाना था। देवता शक्तिहीन हो, उसका मात्र एक ही उपाय है, यज्ञ का विध्वंस, सर्वत्र कर दो यज्ञ का सर्वनाश, कोई आहुति न दे पाए। महारानी महिषी, जो आज्ञा, सारी यज्ञ आहुति जो वो यज्ञ में चढ़ाने ले जा रहे होंगे, उसे हम आपके चरणों में चढ़ाएंगे। जाओ। किंतु महिषी को भी ये ज्ञात नहीं था कि वो जिस यज्ञ को भंग करना चाहती थी, प्रभु अयप्पा को उसी को पूर्ण करने का दायित्व सौंपा गया था। वन के दूसरी ओर सफलता पूर्वक तुम्हारी शिक्षा समाप्त होने के उपलक्ष्य में महान ऋषि मुनि एक यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें इस अंतिम परीक्षा को पूर्ण करने हेतु इस अखाड़े में अपनी शक्ति और कौशल का प्रदर्शन कर सर्वप्रथम यहाँ से निकलना होगा और स्वयं को चिन्हित करने वाली ध्वजा को उठाकर पूर्णाहुति के लिए जब सामग्री एकत्र हो रही हो तभी यज्ञ संपन्न होने से पूर्व वहां पहुंचना होगा। जो सर्वप्रथम यज्ञ स्थल पर पहुंचकर यज्ञ वेदी में ये सुपारी डालेगा वो इस स्पर्धा में विजयी होगा। घंटा, तुम हम सब में सर्वाधिक कुशल हो, तो इस स्पर्धा का क्या लाभ? हाँ, आज भी तुम्हारी योग्यता की श्रेष्ठता प्रमाणित होगी, हमारे लिए तो कोई अवसर ही नहीं है। इस स्पर्धा में कुछ समानता लाने का भी एक उपाय है मेरे पास।
अब उचित है? मणिकंठा, ये कैसा अस्त्र चुना है तुमने? मात्र एक लकड़ी का दंड। अब तुम देख नहीं पा रहे हो ना, इसीलिए उचित चुनाव नहीं कर सके ना। ये हमारी गदाओं और खड्गों के सामने तो कुछ भी नहीं है। ज्ञान प्रकाश का वो पुंज है जिसकी आभा कभी नष्ट नहीं होती। क्या है रहस्य इंद्र के पाक बनने के पीछे और स्वामी अयप्पा ने क्यों की बाघ की सवारी? जानने के लिए देखते रहिए विघ्नहर्ता श्री गणेश।